Hello students, in the previous video we have started with the periodic and non-periodic signals, and in the previous video we have completed the periodic and non-periodic concept for continuous time signal. Now in this video we will study periodic and non-periodic concept for discrete time signal. Okay, so here we will analyze the discrete time, periodic and non-periodic signals. Okay, सो डिस्क्रीट के केस में पीरियोडिसिटी किस तरीके से हम लोग चेक करते हैं, क्या प्रोसीजर होते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे. तो सबसे पहले डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में आप पीरियड आइडेंटिफाई कैसे करते हो, तो मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स टेकन बाय द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स टू रिपीट इटसेल्फ, या बोल सकते हो मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स आफ्टर विच डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स रिपीट इट सेल्फ. ओके, तो मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स, क्लियर है अच्छे से, आफ्टर विच डिस्क्रीट टाइम सिग्नल रिपीट्स. ओके, आफ्टर विच डिस्क्रीट टाइम सिग्नल रिपीट्स. ओके, इट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. ओके, क्लियर है अच्छे से. नाउ एक अगर मैं इक्वेशन वाइज इसे शो करूं तो xn शुड बी इक्वल टू x ऑफ n प्लस माइनस k कैपिटल n. ओके, दैट मींस k यहां पर आपका फिर से इंटीजर होगा जो आपने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था. ओके, और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आपका कैपिटल t था उसकी जगह यहां पर कैपिटल n है, तो यहां पर कैपिटल n को हम कहते हैं टाइम पीरियड इन केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स. ओके, तो अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हर एक कैपिटल एन सैंपल्स के बाद अपने आप को रिपीट करे तो ऑलवेज क्या होगा, आपका पीरियोडिक होगा. क्लियर. नाउ यहां पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो आप देखिए, सपोज करिए आपको कोई सिग्नल एक्स एन गिवन है माइनस वन की पावर थ्री एन. ओके, तो यहां पर आप देखिए, अगर मैं इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को ड्रॉ करूं, एक पॉइंट आप हमेशा दिमाग में अपने बैठा लीजिए, जब भी आपको कोई इस तरीके का डिस्क्रीट टाइम सिग्नल गिवन हो तो आप सबसे पहले उसे ड्रॉ कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन. तो आप देखिए, एन की वैल्यू जीरो, मतलब माइनस वन की पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, लिख दीजिए यहां पर. एन की वैल्यू वन, माइनस वन का क्यूब माइनस वन ही होगा, लिख दीजिए यहां पर, ठीक है ना, वन पर क्या हो जाएगा, माइनस वन. एन की वैल्यू टू, तो टू पर क्या हो जाएगा आपका, माइनस वन की पावर सिक्स, पावर इवन है मतलब प्लस वन हो जाएगा. ओके, तो टू पर हो जाएगा प्लस वन. माइनस वन की पावर नाइन, अगर एन की वैल्यू थ्री पुट करूं तो पावर ऑड है, फिर से क्या हो जाएगा, माइनस वन, एंड सो ऑन. सेम नेगेटिव साइड देख लीजिए, अगर एन की वैल्यू माइनस वन पुट करूं तो माइनस वन की पावर माइनस थ्री, मतलब आप लिख सकते हैं वन अपॉन माइनस वन का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा. ओके, नाउ माइनस टू पुट करूं तो माइनस वन की पावर माइनस सिक्स, दैट मींस वन अपॉन माइनस वन की पावर सिक्स क्या हो जाएगा, प्लस वन. ओके, एंड सो ऑन. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये आपका सिग्नल बन गया एक्सएन. आप क्लियरली देख सकते हैं आफ्टर एवरी टू सैंपल्स एक्सएन अपने आप को रिपीट कर रहा है. जो चीज आपकी जीरो पर थी वही चीज आपकी टू पर है, देन फोर पर है, देन माइनस टू पर है, माइनस फोर पर है, एंड सो ऑन. तो कैपिटल एन यहां पर क्या हो जाएगा, आपका टू हो जाएगा. क्लियर है अच्छे से. नाउ एक और एग्जांपल देखिए आप. सपोज करिए मैं यहां पर एक्सएन ले रहा हूं माइनस वन की पावर फोर एन. तो अब आप देखिए, अगर मैं सिग्नल को यहां पर आपके लिए फिर से ड्रॉ करूं एक्सएन को, तो n की वैल्यू जीरो, किसी का भी पावर जीरो आपका वन होता है, हमें पता है, लिख सकते हैं. n की वैल्यू वन, तो माइनस वन की पावर फोर, पावर इवन है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, वन, तो वन पे वन. n की वैल्यू टू, तो माइनस वन की पावर एट, अगेन क्या हो जाएगा आपका, वन, एंड सो ऑन. नेगेटिव साइड देखिए, n की वैल्यू माइनस वन, तो माइनस वन की पावर माइनस फोर, दैट मीन्स वन अपॉन माइनस वन की पावर फोर, तो कितना हो जाएगा आपका, अगेन वन हो जाएगा ये, तो माइनस वन पे वन. सिमिलरली माइनस टू पे वन, एंड सो ऑन. तो आप देख सकते हैं एक्सएन अपने आप को हर एक सैंपल के बाद रिपीट कर रहा है.
ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1, सिग्नल आपका फिर से क्या हो जाएगा, पीरियोडिक। क्लियर है अच्छे से? तो इस तरीके से हम लोग पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल का डिस्क्रीट टाइम में एनालिसिस कर सकते हैं जब भी आपको कोई सिग्नल गिवन हो। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए यहां पर, सपोज करिए आपको कोई सिग्नल गिवन है xn, ओके, वो इस तरीके से आपको गिवन है, सिग्मा k की वैल्यू माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट, डेल्टा n माइनस 2 माइनस k माइनस डेल्टा n माइनस 3 माइनस k, ओके, आपका इस तरीके से यहां पर सिग्नल गिवन है और आपको बताना है कि क्या ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पीरियोडिक है, और अगर पीरियोडिक है तो कितने नंबर ऑफ सैंपल्स के बाद अपने आप को वो रिपीट कर रहा है। क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर आप देखिए, अगर मैं सॉल्यूशन पार्ट में इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को फिर से ड्रॉ करने के लिए जाऊं, तो यहां पर आपको ये बात समझनी होगी कि ये जो आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है वो k की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का यहां पर आपके लिए सम्मेशन है। तो आप हर एक k की वैल्यू के लिए इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो आप कोई k की रेंज ले लीजिए। सपोज करिए मैं k की रेंज यहां पर ले रहा हूं माइनस वन से प्लस वन, पहले ले लेता हूं। अगर माइनस वन से प्लस वन में काम नहीं बना, मुझे समझ में नहीं आया कि सिग्नल पीरियोडिक है कि नहीं है, तो मैं माइनस टू से प्लस टू तक ड्रॉ कर लूंगा, अदरवाइज माइनस थ्री से प्लस थ्री तक, ऐसे आप बढ़ाते चलिए। ठीक है, तो सपोज करिए अगर मैं सबसे पहले k की वैल्यू जीरो पर सम्मेशन देखूं, तो k की वैल्यू जीरो पर अगर आप सम्मेशन देखेंगे, यहां पर k की वैल्यू जीरो, ध्यान रखिएगा n जीरो नहीं है, k की वैल्यू जीरो, ठीक है ना, xn वर्सेस n का ग्राफ बना रहे हो आप, और सम्मेशन आपका यहां पर k का है, लेकिन आपको जो सिग्नल मिलेंगे k की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करने के बाद वो n के टर्म्स में ही मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो देखिए k की वैल्यू जीरो पर क्या हो जाएगा, डेल्टा n माइनस टू माइनस डेल्टा n माइनस थ्री, मतलब एक इंपल्स आएगा n माइनस टू पर और एक इंपल्स आएगा n माइनस थ्री पर, मतलब एक इंपल्स आएगा n इक्वल टू टू पर, और जो n इक्वल टू टू पर आएगा उसका एम्पलीट्यूड कितना है, वन है, तो n की वैल्यू टू पर आप बना दीजिए यहां पर, एम्पलीट्यूड कितना लिख लेंगे आप, वन। अब देखिए n की वैल्यू थ्री पर, देखिए सामने माइनस लगा है, मतलब एम्पलीट्यूड कितना है आपका, माइनस वन, ठीक है, क्लियर है अच्छे से। तो ये हमने k इक्वल टू जीरो के लिए बना लिया। अब आप देखिए k इक्वल टू वन के लिए, n माइनस टू माइनस वन, k वन है तो n माइनस टू माइनस वन होगा तो n माइनस थ्री होगा, यहां पर देखिए n माइनस थ्री माइनस वन, n माइनस फोर हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर अब आप देखिए k की वैल्यू जब आप वन पे बनाएंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर एक प्लस बनेगा आपका n इक्वल टू थ्री पर, तो n इक्वल टू थ्री पर ऑलरेडी एक क्या है आपका, माइनस वन है। जब आप एक प्लस वन बनाएंगे तो प्लस वन माइनस वन दोनों मिलके क्या हो जाएंगे आपके, जीरो हो जाएंगे। क्लियर है ना अच्छे से? तो मैं फिगर में ही मॉडिफाई करते चलूंगा आपके लिए, आपको ध्यान रखना होगा ये चीजें, ठीक है। तो n की वैल्यू थ्री पर आपका कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगला किस पे बन रहा था, n माइनस थ्री माइनस k, मतलब क्या हो जाएगा ये, k की वैल्यू वन पर ना, n माइनस फोर, मतलब n की वैल्यू थ्री पर तो जीरो आ चुका है और n की वैल्यू फोर पर क्या आ रहा है आपका, माइनस वन आ रहा है, ठीक है, क्लियर है अच्छे से। नाउ k की वैल्यू टू पर देखिए, k की वैल्यू टू पर यहां पर क्या हो जाएगा, n माइनस टू माइनस टू, मतलब n माइनस फोर, तो n की वैल्यू फोर पर क्या आ जाएगा आपका, फिर से यहां पर आ जाएगा प्लस वन, और n की वैल्यू फोर पर ऑलरेडी आपका एक माइनस वन है, तो यहां पर फिर से प्लस वन और माइनस वन आपके क्या हो जाएंगे, कैंसल, तो आपका जो n की वैल्यू फोर है उस पर भी क्या आ जाएगा, जीरो। क्लियर है अच्छे से? अब देखिए आप, जब ये सेकेंड टर्म में मैं n माइनस थ्री माइनस टू करूंगा, ठीक है ना, k की वैल्यू जब टू पुट करूंगा तो क्या आएगा, n माइनस फाइव, मतलब फाइव पर आपका क्या आ जाएगा, माइनस वन, ठीक है। तो यहां पर अब आप देखिए, जब k की वैल्यू थ्री के लिए आप बनाएंगे, मैं यहां थ्री भी ले रहा हूं, चलिए अब थ्री के लिए बनाएंगे, तो n माइनस टू माइनस k, तो n माइनस टू माइनस थ्री, मतलब n माइनस फाइव, n की वैल्यू फाइव पर आपका फिर से क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, तो अगेन वन माइनस वन आपका क्या हो जाएगा, फिर से कैंसल। तो आप यहां समझ गए होंगे एक्चुअल में
के की वैल्यू 3 तक जाते जाते कि ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है अच्छे से। अब आप इसको देखिए, अगर मैं नेगेटिव वैल्यू ले लूं, के की वैल्यू अगर -1 लेता हूं तो डेल्टा एन -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एन -2 +1 मतलब एन -1, ठीक है, मतलब एन की वैल्यू 1 पर क्या बनेगा आपका 1, तो यहां पर आपका 1 पर भी बन जाएगा 1। नाउ माइनस एन -3 +1, ठीक है, तो एन -3 +1 मतलब एन -2 पर कितना बन जाएगा आपका, देख लीजिए साइन क्या है, -1 है और 2 पर ऑलरेडी एक +1 है, तो -1 +1 ये भी क्या हो जाएगा आपका कैंसल। तो आप देखिए यहां पर n इक्वल टू 2 पर भी आपका क्या आ गया, यहां पर 0 आ गया जब आपने k इक्वल टू 1 के लिए ड्रॉ किया, -1 के लिए ड्रॉ किया। ओके, नाउ k इक्वल टू -2 देखिए, n -2 +2, k -2 है ना, तो क्या बचेगा डेल्टा n, मतलब आपका 0 पर आ जाएगा 1, ओके, माइनस डेल्टा n -3 +2 मतलब n -3 +2 मतलब क्या होगा n -1, मतलब n इक्वल टू 1 पे आ जाएगा -1 और n इक्वल टू 1 पे ऑलरेडी +1 है, तो +1 -1 कितना हो जाएगा आंसर आपका यहां पर 0, तो इसका मतलब n इक्वल टू 1 पे भी क्या हो जाएगा आपका 0। नाउ अब आप k इक्वल टू -3 पर ड्रॉ करिए, तो डेल्टा n -2 +3, ठीक है, -2 +3 डेल्टा n +1 मतलब n इक्वल टू -1 पर क्या बन जाएगा आपका +1 बन जाएगा, और यहां पर देखिए n -3 +3 मतलब डेल्टा n पे क्या बन जाएगा आपका -1। दैट मींस आप देख सकते हैं कि 0 वाला भी जो इंपल्स है वो आपका कैंसल आउट हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, जो ओवरऑल सिग्नल है ना उसमें आपका कहीं पर एक सैंपल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकता है k की वैल्यू जब आप माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट तक पुट करेंगे, क्योंकि आपने देखा था जब k की वैल्यू -3 से +3 आपने पुट किया था, ठीक है, तो आपका -1 पर एक इंपल्स एग्जिस्ट कर रहा था, तो कहीं ना कहीं आपका एक इंपल्स एग्जिस्ट करेगा, बाकी सारे आपके 0 होंगे। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका ये है कि ये जो xn होगा दैट विल बी नॉन पीरियोडिक, क्योंकि पीरियोडिक होने के लिए हर एक कैपिटल एन पीरियड के बाद, ठीक है ना, xn को रिपीट होना चाहिए था, लेकिन यहां पर तो xn रिपीट हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना, सिर्फ एक ही सैंपल है आपका, बाकी सारे सैंपल्स आपके जीरो हैं। ओके, तो दिस सिग्नल इज नॉन पीरियोडिक। क्लियर है अच्छे से। नाउ अब अगर मैं यहां पर एनालिसिस करूं साइन एंड कोसाइन सिग्नल्स का, कि हम उन्हें कैसे चेक कर सकते हैं कि वो पीरियोडिक है कि नहीं, जैसा हम लोगों ने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में स्टडी किया था, तो देखिए सपोज करिए यहां पर xn दिया है साइन 10 पाई n, ओके, तो इसे मुझे चेक करना है कि वो पीरियोडिक है कि नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, जैसा मैंने आपको कंटिन्यूअस में कहा था कि इंडिविजुअल साइन कोसाइन एंड यूलर सिग्नल आर ऑलवेज पीरियोडिक, बट डिस्क्रीट में ऐसा केस नहीं है, डिस्क्रीट में आपको इंडिविजुअल को चेक करना होगा। तो देखिए ओमेगा कितना है 10 पाई, तो तरीका क्या होता है चेक करने का, 2 पाई अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू एन अपॉन के। अब आप एन तो जानते हैं कैपिटल एन टाइम पीरियड है, अब ये के क्या है, के इज द इंटीजर फॉर विच कैपिटल एन इज इंटीजर, मतलब के की आपको एक ऐसी इंटीजर वैल्यू सेलेक्ट करनी है, वो भी मिनिमम इंटीजर वैल्यू जिसके लिए कैपिटल एन इंटीजर हो, क्योंकि जब आप कैपिटल टी टाइम पीरियड पढ़ते हैं कंटिन्यूअस में तो वो इंटीजर हो नॉन इंटीजर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर जो कैपिटल एन है वो क्या शो करता है आपका, वो शो करता है नंबर ऑफ सैंपल्स आफ्टर विच एक्सएन रिपीट्स, तो नंबर ऑफ सैंपल्स हमेशा आपके इंटीजर ही होंगे, तो कैपिटल एन इंटीजर होना चाहिए। के की मतलब आपके लिए सिर्फ इतना ही है कि के की कोई एक ऐसी वैल्यू जिसके लिए एन इंटीजर हो, वो भी के की इंटीजर वैल्यू, बाकी आपको के की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए यहां पर एन बाई के कितना आ रहा है आपका, एन बाई के आ रहा है 1/5, तो के की एक ऐसी मिनिमम वैल्यू बताइए जिसके लिए आपका एन इंटीजर हो, अगर आप के की वैल्यू 1 पुट कर दें तो एन 1/5 आ जाएगा नॉन इंटीजर, के की वैल्यू 2 पुट करिए
तो n आ जाएगा 2 by 5 नॉन इंटीजर, k की वैल्यू एक बार आप 5 पुट करके देखिए, 5 by 5 1 इंटीजर, तो for k equal to 5 n equal to 1, तो यहां पर आपका आंसर जो है वो n है, केस का आंसर कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे, बट आपको k की राइट इंटीजर वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है जिसके लिए n भी क्या हो, इंटीजर हो, ओके? एक और एग्जांपल आप देखिए, सपोज करिए आपको xn दिया हुआ है cos 13n, ठीक है, तो इस केस पे ओमेगा क्या हो जाएगा, 13, तो 2 पाई अपॉन 13 इज इक्वल टू n by k. अब आप मुझे बताइए k की कोई ऐसी इंटीजर वैल्यू जिसके लिए n इंटीजर हो जाए, तो आप देख सकते हैं n कभी इंटीजर नहीं होगा, k की किसी भी इंटीजर वैल्यू के लिए n इंटीजर पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर आपका पाई है, तो पाई कभी कैंसिल हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप k की वैल्यू सिर्फ इंटीजर ही पुट कर सकते हैं, तो n कभी इंटीजर नहीं हो पाएगा, दैट मींस ये सिग्नल हो जाएगा नॉन पीरियोडिक. इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कंटीन्यूअस के केस पे तो इंडिविजुअल साइन कोसाइन हमेशा पीरियोडिक थे, लेकिन डिस्क्रीट के केस पे वो पीरियोडिक हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यू नीड टू चेक, ओके, क्लियर है अच्छे से. बट डिस्क्रीट के केस में एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन वो ये है कि इफ इंडिविजुअल सिग्नल्स आर पीरियोडिक, ओके, देन यहां पर आपको कॉम्बिनेशन को चेक करने की जरूरत नहीं है, देन कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज पीरियोडिक, ओके, तब उनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, ऑलवेज पीरियोडिक, नो नीड टू चेक, ओके, क्लियर है अच्छे से. आप सिर्फ और सिर्फ उसका पीरियड निकाल सकते हैं, आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो पीरियोडिक है कि नहीं. तो इस बात को ध्यान रखिए कि कंटिन्यूअस टाइम में हम क्या करते थे, इंडिविजुअल को चेक नहीं करते थे, वो हमेशा पीरियोडिक होते थे, इंडिविजुअल साइन कोसाइन, लेकिन उनके कॉम्बिनेशन को हमें चेक करना पड़ता था, जबकि इंडिविजुअल हमेशा पीरियोडिक थे, ठीक है ना. लेकिन डिस्क्रीट में क्या है, इंडिविजुअल आपके पीरियोडिक है कि नहीं ये आपको चेक करना पड़ेगा, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इंडिविजुअल पीरियोडिक प्रूव हो गए तो उनके जो कॉम्बिनेशन है वो 100% पीरियोडिक होंगे, ये श्योर है आपके लिए, ओके, क्लियर है अच्छे से. एक और एग्जांपल देखिए आप इस कंसेप्ट पर, और जो हमने पहली वीडियो में कंसेप्ट पढ़ा था उस पे. सपोज करिए आपको एक एक्सटी सिग्नल दिया हुआ है 100 साइन, ओके, 12t प्लस पाई बाय 4, और कह रहा है दिस एक्सटी सैंपल्ड एट सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, ओके, सैंपल्ड एट सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी fs इज इक्वल टू 144 हर्ट्ज, ओके, तो आपको बोल रहा है डिटरमाइन करिए आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का पीरियड, कैपिटल n की वैल्यू आपको निकालनी है, अगर वो पीरियोडिक है तो, अगर नॉन पीरियोडिक है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए नॉन पीरियोडिक है. लेकिन इस क्वेश्चन में आप सोचिए, आपको xt दिया हुआ है और आपसे डिस्क्रीट टाइम का पीरियड पूछ रहा है, क्यों, क्योंकि याद करिए मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया था कि जब भी आप किसी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को सैंपल करते हैं तो आपको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिलता है. तो यहां पर जैसे ही हम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल xt को सैंपल करेंगे तो सैंपलिंग का प्रोसेस क्या था, t इज इक्वल टू एन टी एस, या आप लिख सकते हैं t इज इक्वल टू एन अपॉन एफ एस, ओके, क्लियर है. तो आपका जो xn है यहां पर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल वो क्या हो जाएगा, 100 साइन 12, t की जगह क्या रखना है, n अपॉन एफ एस, मतलब n अपॉन 144 प्लस पाई बाय 4, ओके, तो ओमेगा कितना आ गया, 12 बाई 144, 1 बाई 12, ओमेगा आ गया 1 बाई 12. तो अब आप देखिए आपको करना क्या है, यहां पर आपको करना ये है कि आपको चेक करना है 2 पाई अपॉन 1 अपॉन 12 इज इक्वल टू एन बाई के, तो क्या ये सिग्नल आपका पीरियोडिक होगा. ऑब्वियसली बात है, लास्ट क्वेश्चन हमने देख रखा है कि ये सिग्नल पीरियोडिक नहीं होगा, क्योंकि k की किसी वैल्यू के लिए n इंटीजर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर एक पाई का टर्म है, तो ये तो आपका नॉन पीरियोडिक है, इसे चेक करने की जरूरत नहीं है. लेकिन सपोज करिए अगर मैं सेम क्वेश्चन, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन मैं दोबारा लिख रहा हूं, सेम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी होगी, बट इस बार जो एक्सटी होगा आपका वो ये होगा 100 साइन
100 sine 12 pi t plus pi by 4. ओके, तो इस केस में आपका जो xn हो जाएगा वो 100 sin कितना हो जाएगा 12 pi n upon 144 plus pi by 4. तो जो आपका ओमेगा है वो कितना हो जाएगा आपका, आपका ओमेगा यहां पर हो जाएगा pi upon 12. तो आपका 2 pi upon ओमेगा कितना होगा, 2 pi upon pi into 12 is equal to n by k. तो n by k की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, देखिए आप, ये हो जाएगा 24 by 1. तो यस, k की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं, for k equal to 1, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24. तो ये आपका सिग्नल पीरियोडिक होगा. तो ध्यान रखिएगा, यहां पर ओमेगा में पाई के होने या ना होने से बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है. जबकि कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल में ऐसा कोई नीड नहीं थी कि पाई है तभी पीरियोडिक होगा, पाई नहीं है तो पीरियोडिक नहीं होगा ओमेगा में, ठीक है. बट यहां पर आपका इंपॉर्टेंट है ये. ओके, क्लियर है आपको ये. तो ये आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक के. यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला है उसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में जब भी आपका कोई इंडिविजुअल साइन या कोसाइन दिया है तो वो कोई जरूरी नहीं है ऑलवेज पीरियोडिक होगा, आप हमेशा उसे चेक करिए. लेकिन अगर वो इंडिविजुअली पीरियोडिक्स हैं साइन कोसाइन, तो उनके कॉम्बिनेशन ऑलवेज पीरियोडिक होंगे, उन्हें आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, क्लियर है अच्छे से. तो यहां पर इस कंसेप्ट को मैं अब एंड कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो से हम सिस्टम का एनालिसिस स्टार्ट करेंगे. अगर इस कंसेप्ट में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.